विश्व हिंदू परिषद द्वारा मुरादाबाद में सामूहिक रुद्राभिषेक की बड़ी पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष भक्तों को राधा कृष्ण मंदिर परिसर में जाप कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे। दरअसल सावन के महीने में प्रत्येक वर्ष ही विश्व हिंदू परिषद सनातनी कार्य कराने की कड़ी में सामूहिक रुद्राभिषेक भी कराता है। इस साल भी दिल्ली रोड स्थित राधा कृष्ण मंदिर परिसर में सामूहिक रुद्राभिषेक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सुबह 9 बजे से शुरू हुआ यह कार्यक्रम दोपहर 12 बजे तक चलेगा। इसमें सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष शिव भक्त मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। गुरुकुल के छात्रों ने पूरी रीति रिवाज से भक्तों को मंत्रों का जाप कराया। इस आयोजन पर जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद के मेरठ प्रांत मंत्री डॉक्टर राजकमल गुप्ता ने बताया कि यह आयोजन सनातनी परंपराओं को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। देखिए, सावन मास में प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदू परिषद ये रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आयोजित करती है। इसका उद्देश्य समाज के अंदर लोगों को ये भी बताना है कि विश्व हिंदू परिषद एक धार्मिक संगठन है और वो धर्म के प्रत्येक कार्य में आयोजन इस तरीके के करता रहता है। चूँकि सावन मास का माह जो है वो शिव आराधना का मास होता है सनातन धर्म के अनुसार, तो वैसे ही समस्त हिंदू समाज, पूरे विश्व का हिंदू समाज इस माह में भगवान शिव की आराधना करता है। लगभग 500 शिव भक्त यहाँ पर इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। बस एक ही संदेश है कि इस देश को भगवान समृद्धि दे, सनातन धर्म स्थापित हो, भारत जैसे पहले था अब से 2000 साल पहले वैसे ही स्थापना हो। 2000 साल पहले न इस्लाम था न ईसाइयत थी, केवल ये सनातन ही था। और मैं ईश्वर से भोले बाबा से यही कामना करता हूँ, पुनः राम राज्य की स्थापना हो। देखिए, विश्व हिंदू परिषद मुरादाबाद में एक वेद विद्यालय का चलाता है गोपाल वहाँ पर गौशाला में, और ये वहाँ के बटुकों द्वारा ये दोहों का और रुद्राभिषेक का कार्यक्रम उच्चारण हो रहा है।